हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बीच में गैप हो गया कुछ दिनों का मुझे वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, बट हम अब कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इन लास्ट वीडियो वी सॉ हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस सम टेस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फ्रॉम दिस यू विल गेट डेफिनेटली आइडियाज ऑफ स्पीकिंग एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस। वी विल डू आवर क्वेश्चन इन हिंदी एंड आंसर्स इन इंग्लिश, सो देन यू कैन ईजिली गेट इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। उसके पास घर था, ही हैड अ हाउस। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। हमारे पास चिड़िया नहीं है, वी डोंट हैव स्पैरो। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। मेरे पास क्या था, व्हाट आई हैड। क्या तुम्हारे पास पानी है, डू यू हैव वाटर। नेक्स्ट, मेरे पास ज्ञान नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज। उसके पास नौकर नहीं थे, दे डिड नॉट हैव मेड। हमारे पास वक्त कहाँ है, वेयर डू वी हैव अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास कैफे था, आई हैड अ कैफे। 12th क्वेश्चन इज, उनके पास गाड़ी नहीं है, दे डू नॉट हैव अ कार। 13th क्वेश्चन, अब उनके पास कारखाना नहीं है, आंसर, नाउ दे डोंट हैव अ फैक्ट्री। मेरे पास एक विचार था, आंसर इज आई हैड एन आइडिया। क्या तुम्हारे पास दिमाग है, आंसर, डू यू हैव अ ब्रेन। कहाँ तुम्हारे पास वक्त है, वेयर डू यू हैव अ टाइम। कैसे उनके पास टीम है, आंसर, हाउ दे हैव अ टीम। उनके पास बड़ी गाड़ी थी, आंसर, दे हैड अ बिग कार। मेरे पास घर क्यों नहीं था, वाई डिड नॉट आई हैव अ हाउस। हमारे पास हक नहीं है, वी डोंट हैव अ राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वन मोर थिंग फॉर सिंगुलर। वी कैन यूज अ व्हाइल फ्रेमिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एंड फॉर प्लूरल नाउन we can use the noun that refers to more than one person, place, thing or idea. Okay guys, I hope you all are understand this helping verb have, has, had. We are done the exercise and practice test also. So now like, subscribe my channel and press bell icon for never miss an update. We will see you in next video. Bye.